जय श्री स्वामी नारायण। आओ सौ साथे मली घरे बैठा लाभान्वित थईए। आपन सर्वे ने भगवान श्री हरि मां प्रीति थाय, तेमना स्वरूपनी दृढ़ता थाय, आपनु जीवन धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति थी सभर बने अने भगवान श्री हरि नी प्रसन्नताना पात्र बनी, तेमज विश्व शांति अने कोरोना महामारी निवारण अर्थे तीर्थधाम सरधार ने आंगणे उजवाय श्री स्वामीनारायण संप्रदाय ना महान ग्रंथराज श्रीमद सत्संगी जीवन होमात्मक यज्ञ अनुष्ठान पूज्य सद्गुरु स्वामी श्री नित्य स्वरूप दास जी ना पावन सान्निध्य मा विद्वान संतो द्वारा संस्कृत श्लोक गान साथे शास्त्रोक्त वेदोक्त विधि सह योजायेल द्विमासिक पाठ पारायण ने मानिए अने आपने घरे बैठा पुष्प अक्षत वड़े आहुति आपी। हरि ओम सहस्र शिरिका पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिकौ सर्वत्र सप्तपात्य तिष्ठत् दशाङ्गुलम् पुरुख एवेतकौ सर्वं यद्भूतं जष्ट भाव्यम् भूतामृतत्वशेषानो च तन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च पुरुकः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वः उदेत् पुरुकः पादोऽसेहा भवत् पुनः ततो विख्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो उष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषु ये प्रवर्त ईशान्त्यसुरा स्ते त्वधर्मं यदाक्षितौ धर्मदेवा तदा भक्ताद् अहं नारायणो मुनिः जनिषे कौशले देशे भूमोहि समगो द्विजः मुनिशापनृतं प्राप्त नृषिं सात तथोद्धवं ततो वीतासुरेभ्योः सद्धर्मं स्थापयन् ज सद्धर्मं स्थापयन् ज बोलो स्वामी नारायण भगवान नी जय श्री हरि कृष्ण महाराज नी जय श्री राधा रमण देव नी जय श्री लक्ष्मी नारायण देव नी जय श्री नर नारायण देव नी जय श्री गोपीनाथ जी महाराज नी जय श्री मदन मोहन जी महाराज नी जय श्री काष्ठभंजन देव नी जय। अथ पंचम प्रकरणे षट पंचाशत्तमोध्याय सुव्रत उवाच स्वामी नारायणाय स्वाहा। कृष्णेतर पदार्थेषु रुचिहीनस्य सर्वथा धर्मादि प्रच्छकेथासित् पुंसि प्रीतिर्हरे नृप स्वामी नारायणाय स्वाहा। शतानन्दो मुनिस्तस्य सेवायां निरतः सदा पादसंवाहनं कुर्वन्नेकदासित् तदन्तिके स्वामी नारायणाय स्वाहा। तमुवाच स्वयं स्वामी मुने किंश्चन ते यदि प्रष्टव्यं स्यात् तदेतर्हि पृच्छ वक्षे तदुत्तरं स्वामी नारायणाय स्वाहा। एवमुक्तः स तु प्रीतो भृशं मुनिरुदारधीः प्राञ्जलिस्तं नमस्कृत्य पप्रच्छेत्थं नराधिप स्वामी नारायणाय स्वाहा। शतानन्द उवाच स्वामी नारायणाय स्वाहा। साङ्गं योगमहं स्वामिन् बोद्धुमिच्छामि तत्त्वतः त्वत् एव हि सर्वज्ञात् सेवनीयाच्च योगिभिः स्वामी नारायणाय स्वाहा।
मया तु त्वत्प्रसादेन योगिनामपि दुर्लभा समाधि सिद्धिः प्राप्तास्ति विना साधन संपदं स्वामिनारायणाय स्वाहा। तथापि लक्षणादीनि योगशास्त्रानुसारतः विविध साम्यंगी योगस्य तदंगानां च सर्वशः स्वामिनारायणाय स्वाहा। सुव्रत उवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा इति पृष्टः स मुनिना तेन योगी हितैषिणा प्रसन्नो भगवान राजन तमुवाच महामतिम स्वामीनारायणाय स्वाहा। श्री नारायण मुनिरुवाच स्वामीनारायणाय स्वाहा समीचीनास्ति ते बुद्धिर् योगं पृच्छसि यन्मुने नास्ति योग समं किंश्चित् साधनं स्वेप्सितार्थदं स्वामीनारायणाय स्वाहा। योगं विना तु मनसो निग्रहो दुष्करः सतां भक्तिर्ज्ञानं च योगेन सिद्धिमाप्नोति निश्चितं स्वामिनारायणाय स्वाहा। आदौ हिरण्यगर्भेण योगशास्त्रं प्रवर्तितं पतञ्जलिस्वरूपेण तत्फणीन्द्रेण विस्तृतं स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्सारं महमादाय सांगं योगं वदामि ते कृष्णे समाधिं मनसो विद्धि त्वं योग लक्षणं स्वामिनारायणाय स्वाहा। यथेद्वह्निना सर्वे नाश्यन्ते धातु संगतः दोषः समाधि योगेन नाश्यन्ते मानसास्तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। अतस्तद्दोष नाशार्थं भक्तेन कमलापतेः समाधि योगाभ्यसनं कार्यमुत्साहिना द्रुतं स्वामिनारायणाय स्वाहा। सांगं समाधि योगं तु संसाधयितुमिच्छता श्रयणीयो गुरुर्भक्त्या सर्वयोगकला निधिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। मनोनुकूलया तस्य नित्यं शुश्रूषया सतं प्रीणयेद् अथ तत्प्रोक्त रीत्या योगं समभ्यसे स्वामिनारायणाय स्वाहा। देशेषु चौसमे वालु शर्करादि विवर्जिते मनोनुकूले निर्बाधे निवसेद्योग साधकः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अन्नादिभिः स्वशुश्रूषा कर्तुर्यत्रानुकूलता भवेत्स्थाने शीतवात दंश बाधा न यत्र च स्वामिनारायणाय स्वाहा। जलाशयानुकूल्यं च यत्र स्वस्योचितं भवेत् आश्रमे तत्र निश्चिन्तो भक्तो योगं समभ्यसेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। नदी कूपोपकण्ठे च सभये पितृकानने सशब्देऽग्निजलाभ्यासे जीर्णगोष्ठे चतुष्पथे स्वामिनारायणाय स्वाहा। अशुचोपूतिगन्धे च शुष्कपर्णचये तथा देशे जनाकुले चापि न योगाभ्यासमाचरे स्वामिनारायणाय स्वाहा। जनसङ्गं चातिजल्पम् अत्याहारमतिश्रमं रसलौल्यमतिक्रोधं न कुर्याद्योगमाचरन् स्वामिनारायणाय स्वाहा। तुन्दस्य पूरयेद्भागो द्वावन्नेनेक अम्बुना शेषयेदेकमेवं हि मितभुग्योगकृद्भवेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। यवतण्डुलगोधूमन् गोदुग्धाज्य च शुण्ठिकां भक्षयेद् अभ्यसन योगं सिद्धे त्वस्मिन्न तद्यमः स्वामिनारायणाय स्वाहा। परित्यजेत् सर्वथैव संसर्गं मद्यमांसयोः भङ्गतमालाहीफेन मादकादीनि पूति च स्वामिनारायणाय स्वाहा। साधको भक्षयेन्नैव दधि तक्राम्लिकास्तथा माशान्कुलत्थाञ्छाकं च कटुं च लवणं त्यजेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। तैलं तिक्तं रामठं च सोत्युष्णमतिशीतलं न भक्षयेद् विज्ञातं पदार्थं कश्चनापि च स्वामिनारायणाय स्वाहा। उत्साहवान् भवेन् नित्यं शैथिल्यं तु परित्यजेत् स्त्रीप्रसङ्गं तु यत्नेन सर्वथा स परित्यजेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्त्रेण पापमतिधूर्तसङ्गमं सर्वथा परिहरेत् च स ध्रुवम् अन्यथा तु परिपक्वयोगवान् प्रंशमेति किमु तर्हि साधकः स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्रीमत्सत्सङ्गी जीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे पञ्चम प्रकरणे योगोपदेशे योगसाधनोचित देशाहार निरूपण नाम षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथ पञ्चम प्रकरणे सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः श्रीनारायण मुनिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। समाधियोगस्यांगानि प्रोक्तान्यष्टो मनीषिभिः
तानि तेनुक्रमेणाहं कथयामि दृढव्रत स्वामिनारायणाय स्वाहा। आद्यं यमास्ततः प्रोक्ता नियमाश्चासनान्यथ प्राणायामश्चतुर्थं तु प्रत्याहारश्च पञ्चमं स्वामिनारायणाय स्वाहा। धारणा च ततो ध्यानं समाधिश्चाष्टमं मतम् अंगी समाधिरेतरहि सिद्ध्यत्यंगे हि किलाष्टभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्राद्यानि तु पञ्चापि बहिरंगाणि तस्य हि अंतरंगाणि च त्रीणि धारणादीनि विद्धि भोः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथेतेषां लक्षणानि संक्षेपेण पृथक् पृथक् योगशास्त्रोदितान्येव कथयामि फलैः सह स्वामिनारायणाय स्वाहा। हिंसादिभ्योघकर्मभ्यः साधकं योग एव ये स्वाश्रितं यमयन्त्यत्र ते तु प्रोक्ता यमा बुधैः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अहिंसा सत्यम् अस्तेयं ब्रह्मचर्यं च सुव्रत अपरिग्रह इत्येवं यमः पञ्च प्रकीर्तितः स्वामिनारायणाय स्वाहा। शरीरवाङ्मनोभिर्यद् अक्लेशजननं सदा प्राणिमात्रस्य सा सद्भिरहिंसेत्यभिगीयते स्वामिनारायणाय स्वाहा। धर्माधर्मौ समिक्षेव यथार्थकथनं तु यत् सर्वेषां हितकृद्यच्च वाक्यं तत्सत्यम् उच्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा। अदत्तस्य परस्वस्य पारोक्ष्येण बलेन वा यन्नैव ग्रहणं क्वापि तदस्तेयमुदीर्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्त्रीसङ्गस्याष्टधा त्यागः सम्यग् वस्तु विचारतः ब्रह्मचर्यं तदेवाहुर्ब्रह्म प्राप्तिकरं तु यत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्वयं विचार्य त्यक्तानां पदार्थानां न सङ्ग्रहः सोपरिग्रह इत्याहुर्मुनयस्तत्त्वदर्शिनः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अहिंसायाः फलं तत्र निर्वैरत्वं हि सर्वथा अस्त्रावित्वं च सत्यस्य फलं वै पुण्यकर्मणां स्वामिनारायणाय स्वाहा। अस्तेयस्य फलं नाना दिव्यरत्नोपलम्भनं वीर्यलाभो योगसिद्धिर्ब्रह्मचार्यस्य च द्रुतं स्वामिनारायणाय स्वाहा। मनोविक्षेपनाशश्च परिग्रहफलं मतम् इति प्रोक्ता यमः पञ्च नियमान् कथयाम्यथ स्वामिनारायणाय स्वाहा। निवर्त्य काम्यधर्मेभ्यो मोक्षधर्मेषु योगिनं ये वै नियमयन्त्यत्र नियमास्ते प्रकीर्तिताः स्वामिनारायणाय स्वाहा। शौचं तपश्च सन्तोषः स्वाध्यायश्चेश्वरार्चनम् इति पञ्चेव कथितास्ते च योगविशारदैः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्र शौचं द्विधा प्रोक्तं बाह्याभ्यन्तरभेदतः मृज्जलाभ्यां भवेत् बाह्यं भावशुद्ध्या तथान्तरं स्वामिनारायणाय स्वाहा। शरीरशोषणं यत्तु कृच्छचान्द्रायणादिभिः एकाग्र्यम् इन्द्रियाणां च तप इत्युच्यते तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। अन्येच्छारहिता तुष्टिः सम्प्राप्तेनेश्वरेच्छया अन्नादिना ससन्तोषः कथ्यते सुमते बुधैः स्वामिनारायणाय स्वाहा। भक्त्योपनिषदां पाठो यथाशक्ति निरन्तरं भक्तिशास्त्रस्य वाण्यस्य स्वाध्यायः स च कथ्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा। मनसा चिन्तनं नित्यं हरेश्च वचसा स्तुतिः कायेन पूजा पुष्पाद्यर् इत्युक्तं चेश्वरार्चनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। सत्त्वशुद्धिः सौमनस्यम् इन्द्रियाणां च निग्रहः आत्मदर्शनयोगत्वं फलं शौचस्य तेष्वथ स्वामिनारायणाय स्वाहा। आत्मदर्शनयोग्यत्वं फलं शौचस्य तेष्वथ स्वामिनारायणाय स्वाहा। तपस्त्विन्द्रियधियां शुद्धिश्चाघक्षयः फलं सर्वोत्तमसुखप्राप्तिः सन्तोषस्य फलं तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रसन्नतेष्टदेवस्य स्वाध्यायस्य फलं मतं फलम् ईश्वरपूजायाः समाधे सिद्धिराशु च स्वामिनारायणाय स्वाहा। आस्यते योगिना यत्र येन वा योगसिद्धये तदासनमिति प्रोक्तं योगस्यांगं तृतीयकं स्वामिनारायणाय स्वाहा। आसनानि तु योग्यज्ञः
प्राहुर्बहुविधानि चतुराशीति संख्यानि तेषु मुख्यानि योगिनां स्वामिनारायणाय स्वाहा। तत्रापि त्रिंशन् मुख्यानि योगिनः कथयन्ति, चतुर्दश च तत्रापि मुख्यानि कथयामि ते स्वामिनारायणाय स्वाहा। स्वस्तिकं गोमुखं वीरं योगं पद्मं च कोक्कुटं कौर्मं चापं च मायूरं तथा पश्चिमतानकं स्वामिनारायणाय स्वाहा। शाबं सिद्धं तथा सैहं भद्रं चेति चतुर्दश लक्षणानि क्रमेणैषां कथयाम्यथ तत्त्वतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। जानुर्वोरन्तरे पादतले द्वे अपि योगकृत् कृत्वा सीत रुजुर्यत्तत् स्वस्तिकं परिकीर्तितं स्वामिनारायणाय स्वाहा। दक्षपार्श्वे सव्यगुल्फं सव्ये दक्षिणमर्पयेत् गोमुखाकृति तत्प्रोक्तम् आसनं गोमुखाभिधं स्वामिनारायणाय स्वाहा। न्यसेदुरो पादमेकम् ऊरुम् अन्यपदे तथा वीरासनम् इति प्रोक्तं सूकरं साधकेरिदं स्वामिनारायणाय स्वाहा। व्युत्क्रमेण गुदं रुद्ध्वा गुल्फाभ्यां स्यात् समाहितः एतद् योगासनं प्रोक्तं योगविद्यमि सम्मतं स्वामिनारायणाय स्वाहा। वामौरौ दक्षिणं पादं दक्षौरौ न्यस्य चेतरम् अपाकराभ्यम् अङ्गुष्ठो दद्यात् पद्मासनं त्विदं स्वामिनारायणाय स्वाहा। बद्ध्वा पद्मासनं हस्तौ जानुर्वोरन्तरेण च भुवि संस्थाप्य व्योमस्थो भवेत् तत् कुक्कुटासनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। कुक्कुटासन बन्धस्थो दोर्भ्यं संहृत्य कन्धरां भवेत् कूर्म वदुत्तान् एतदुत्तान कूर्मकं स्वामिनारायणाय स्वाहा। सव्योर्मूले दक्षाङ्घ्रिं कृत्वा जान्वोर्बहिर्धरेत् वेष्टितेन करेणान्यं दक्षेण धनुरासनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। एतज्जाठररोगध्नं कुण्डलीबोधकारकम् अङ्गानां स्थैर्यकृत्योक्तम् आसनं मुनिसम्मतं स्वामिनारायणाय स्वाहा। दोर्भ्यां भूमिम् अवष्टभ्य नाभिपार्श्वे कफोणिगे कृत्वा भवेत् स्वस्थवपुर्मायूरं तद्धिदण्डवत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। रोगानोदरिकान् हन्ति प्रदीपयति जाठरं भुक्तं विषं कदशनं जरयत्येतदासनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रसार्य दण्डवत्पादौ गृहीत्वाग्रद्वयं तयोः न्यसेज्जानुपरि शीर इति पश्चिमतानकं स्वामिनारायणाय स्वाहा। पवनं पश्चिमगतिं जठराग्निप्रदीपनं कृशत्वम् उदरस्यापि कुर्यादेतत् किलासनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। शबासनं च शबवत् उत्तानं शयनं भुवि सर्वासन शान्तिहरं चित्त विश्रांति साधनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। नीपीड्य शिवनिं वाम पार्ष्णि नावाम गुल्फके विन्यसे दक्षिणं गुल्फं एतत् सिद्धासनं स्मृतं स्वामिनारायणाय स्वाहा। आसनाग्र्यं च रोगघ्नं एतद् वज्रासनं विदुः केचिन्मुक्तासनं प्राहुरेके गुप्तासनं जगुः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अधो वृषणयोर्गुल्फो सीवनी पार्श्वयोः क्षिपेत् सव्ये दक्षं दक्षिणेन्यं प्रसृताङ्गुलिकौ करौ स्वामिनारायणाय स्वाहा। जान्वोर्ध्वत्वा व्याप्तवक्त्रो नासिकाग्रं विलोकयेत् एतत् सिंहासनं प्रोक्तं योगिनाम् अभिवाञ्छितं स्वामिनारायणाय स्वाहा। सीवनी पार्श्वयोर्गुल्फो वृषणाद क्रमाण्यसेत् दध्यात् पादावपाग्दोर्भ्यां इति भद्रासनं परं स्वामिनारायणाय स्वाहा। इत्यादिन्यासनान्याहुर्योगशास्त्रविशारदाः स्थिरं सुखं ध्यानकाले तेषाम् एकतमं श्रयेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। आसनश्रमजातेन स्वेदिनाङ्गं विमर्दयेत् दृढता लघुता चेव तेन गात्रस्य जायते स्वामिनारायणाय स्वाहा। आसनानां फलं प्रोक्तं सर्वद्वन्द्वसहिष्णुता शारीररोगनाशश्च प्राणायामाधिकारिता स्वामिनारायणाय स्वाहा।
उदितान्यास्तनान्यस्य सिद्धानि स्युर्यदा तदा गुरुपदिष्टमार्गेण नाडीशोधनमभ्यसेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। विना नाडीशोधनं तु प्राणायामो न सिद्ध्यति। मलाकुलासु नाडीषु नान्तश्चरति मारुतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। धोतिर्बस्तिस्तथा नेतिस्त्राटकं नौलिका तथा कपालभातिश्चेत्याद्यः क्रियः सन्त्यत्र कीर्तितः स्वामिनारायणाय स्वाहा। शनिर्ग्रसेत्सितं वस्त्रं चतुरङ्गलविस्तृतं प्रत्याहरेत् पुनरिति धौतिः कासादिरोगः स्वामिनारायणाय स्वाहा। नाभिमात्रे जले स्थित्वा पायुनाकृष्य वारि च त्यजेत् बस्तिं क्षालयित्वा स बस्तिः सर्वरोगहृत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। शिश्नेनाकृष्य सलिलं पुनस्तेनैव रेचयेत् गुदेन वा रेचयेत् तद् बस्तिरेष द्वितीयकः स्वामिनारायणाय स्वाहा। पित्वा मुखेन पानीयं रेचयेत्तद्गुदेन च शङ्ख प्रक्षालनाख्येश बस्तिरुक्ता मनीषिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। पीत्वा जलं मुखेनादौ पुनस्तेनैव तद्वमेत् प्रोक्ता गजकरण्येषा क्रिया वैनाडिशोधिनी स्वामिनारायणाय स्वाहा। नासानाले स्निग्धसूत्रं प्रविश्याकर्षयेन्मुखात् एषा नेतिर्नेत्रमूर्ध रोगद्निदिव्यदृष्टिदा स्वामिनारायणाय स्वाहा। त्राटकं च सूक्ष्मलक्ष्यं यावत् स्याद् अश्रुपातनं तावस्थिरद्रुषेत् नेत्ररुक्त्रन्द्रिहन्द्रितं स्वामिनारायणाय स्वाहा। अमन्दावर्त वेगेन तुन्दं सव्यापसव्यतः नतांसो भ्रामये देशा नोलिर्दोषेक शोषणी स्वामिनारायणाय स्वाहा। रेचकं पूरकं कुर्याद् भस्त्रावर्चस संभ्रमं कपालभातिः सा प्रोक्ता दोषघ्नि योगी सम्मता स्वामिनारायणाय स्वाहा। शुद्ध्यन्ति नाड्य एताभिः क्रियाभिर्योगचारिणः शुद्धासु तस्य नाडीषु प्राप्नोति कृशतां तनुः स्वामिनारायणाय स्वाहा। देहे भवति कान्तिश्च जठराग्नि प्रदीपनं नादाभिव्यक्तिरारोग्यं यथेष्टं वायुधारणं स्वामिनारायणाय स्वाहा। इत्थं नाडी शोधयित्वा प्राणायामं समभ्यसेत् चले वाते चलं चित्तं निश्चले निश्चलं यतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। आसनं दृढमाश्रित्य कुर्वित प्राणसंयमं गुरुप्रोक्तक्रमेणैव स्वस्थचित्तः शनैः शनैः स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्राणशब्देन तूमूने शारीरो वायुरुच्यते आयामो निग्रहस्तस्य प्राणायामस्ततः स्मृतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्राणायामो द्विधा प्रोक्तः सगर्भो गर्भ एव च जपध्यानं विना गर्भः सगर्भस्तत्समन्वितः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अगर्भात् केवलत् सद्भिः सगर्भः श्रेष्ठ उच्यते सगर्भाभ्यासतः शीघ्रं सिद्धिं योगस्य विन्दति स्वामिनारायणाय स्वाहा। द्वयोऽप्यसौ चतुर्थोक्तः पूरको रेचकस्तथा कुम्भकः शून्यकश्चेति शृणु तल्लक्षणान्यपि स्वामिनारायणाय स्वाहा। यथा कमलनालेन जलं वक्त्रध्रुतेन तु आकर्षयेत्तथा वायुं पूरकः स निगद्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा। समुत्क्षिप्य बहिर्वायुं शून्यं कुर्यद्धृदम्बरं सरेचक इति प्रोक्तो योगशास्त्रविशारदैः स्वामिनारायणाय स्वाहा। उच्छ्वासम् अथ निःश्वासं रुन्ध्याद्योगी स्थिरस्थितिः स कुम्भक इति प्रोक्तः पूर्णकुम्भ इव स्थितः स्वामिनारायणाय स्वाहा। कुम्भको द्विविधो ब्रह्मन् नैष सङ्कथ्यते भुजैः एक आभ्यन्तरस्तत्र द्वितीयो बाह्य उच्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा। अपाने प्राणसंरोधो ज्ञेय आभ्यन्तरो मुने प्राणेपानस्य संरोधो द्वितीयः कुम्भकः स्मृतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। पूरकः प्रणवैस्तत्र कार्यः षोडशभिः शनैः द्वात्रिंशता रेचकस्तु चतुःषष्ठ्या च कुम्भकः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथवा विष्णु गायत्रीं योगी स्वमनसा पठन् यथाशक्त्येव कुर्वीत प्राणायाममतन्द्रितः स्वामिनारायणाय स्वाहा। पिङ्गला दक्षिणे वामे नाडी डा संस्थितौ तयोः सूर्यचन्द्रौ सुषुम्णातु तन्मध्ये तत्र पावकः स्वामिनारायणाय स्वाहा।
ईडया पूर्वकं कृत्वा ततः कूर्वीत कुम्भकं ततः पिंगलया कूर्यात् रेचकं तु शनैः शनैः स्वामिनारायणाय स्वाहा। यद्वा पिंगलया कूर्यात् पूर्वकं कुम्भकं ततः कृत्वा च रेचकं कुर्यात् इडया योगसाधकः स्वामिनारायणाय स्वाहा। शनैः कृतेन युक्तेन प्राणायामेन योगिनः रोगनाशश्च सिद्धिः स्याद् अन्यथा तु विपर्ययः स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रातर्मध्यन्दिने सायम् अर्धरात्रे च कुम्भकान् शनैरशीति पर्यन्तं चतुर्वारं समभ्यसेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। कनीयसि प्राणरोधे स्वेदः कम्पस्तु मध्यमे उत्तमे चासनोत्थानं साधकस्य मुहुर्भवेत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। बहिः स्थितस्य ग्रहणम् अत्यागोऽन्तः स्थितस्य च वायोः स शून्यको ज्ञेयः शून्यवेधाद्य भूमिका स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्राणायाम फलं प्रोक्तं मुनिभिर्योग वित्तमेहि योग्यता धारणासु स्यान् मनस्तस्वीति सुव्रत स्वामिनारायणाय स्वाहा। अस्य शून्यकसंज्ञस्य प्राणरोधस्य सर्वतः विशेषो वर्तते तं च सर्वं ते कथयाम्यहं स्वामिनारायणाय स्वाहा। न शून्यक प्राणनिरोधसाम्यं योगाङ्गमाप्नोत्यपरं हि किञ्चित् नादाभिदब्रह्मणि यात्र लब्धे भवेत् परब्रह्म सुखानुभूतिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्रीमत्सत्सङ्गे जीवने नारायणचरित्रे धर्मशास्त्रे पञ्चमप्रकरणे योगोपदेशे यमनियमासन प्राणायाम लक्षणनिरूपण नाम सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अथ पञ्चमप्रकरणे अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः श्रीनारायणमुनिरुवाच स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्राणायामः शून्यकाख्यो मतः श्रेष्ठतया बुधिः स निर्वासनचित्तस्य पुंसो हृद्येव जायते स्वामिनारायणाय स्वाहा। हृदि तस्मिन् जायमाने प्राणाद्यादशवायवः स्वस्वस्थानावकाशेषु शाम्यन्ते हृदयादिषु स्वामिनारायणाय स्वाहा। योगिनो जायते वस्था तदा जाग्रत्सुषुप्तिवत् देहे च स्तब्धता चान्तर्नादस्य श्रवणं तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। आदौ तन्त्रीरवमिव श्रुत्वा सूक्ष्मध्वनिं ततः अन्तः प्रबुध्यते चाथ वेणुनादं शृणोति सः स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततो मृदङ्गवन्नादं शङ्खदुन्दुभिवत्ततः भैर्याद्यनेकवादित्र तुल्यनादं शृणोत्यथ स्वामिनारायणाय स्वाहा। मेघगर्जनतुल्यांश्च नादान्नेकविधानिति श्रुत्वातीव प्रबुद्धः सन् प्रकाशं हृदि पश्यति स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततः स्थूलविराडाख्य देहेषु प्रणवं स च श्वासोश्वासस्वरूपेण स्थितं स्वहृदि पश्यति स्वामिनारायणाय स्वाहा। अभ्यसन्ति योगिनोत्र प्राप्तये यस्य नित्यदा प्रतिश्वासं महामन्त्रम् अष्टाक्षरमतन्द्रिताः स्वामिनारायणाय स्वाहा। आदौ तु तेजसां राशिम् आकाशवदनन्तकं नाद्ब्रह्मेति यं प्राहुस्तं पश्यन्ति महोज्ज्वलं स्वामिनारायणाय स्वाहा। यस्माच्चाग्निर्विस्फुलिङ्ग इव निर्यान्ति सर्वतः तेजसौ मण्डलान्यर्कबिम्बतुल्यान्यनन्तशः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तस्मात्तु तेजसां राशे रुद्यन्तं प्रणवं ततः सविक्षते नादरूपं योगी तेजोमयं सितं स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रणवध्वनयस्तत्र तेजो भ्रमी समप्रभाः उत्पद्यन्तोऽप्यन्तश्च दृश्यन्ते तेन भूरिशः स्वामिनारायणाय स्वाहा। यथा समुद्रे कल्लोला विद्युतो वा बलाहके उत्पद्यन्ते च लीयन्ते तेजः पुञ्जे तथा रवः स्वामिनारायणाय स्वाहा। नादात्मकस्य तस्याथ प्रणवस्य महाध्वनौ प्राक्षुता इतरे नादास् तिरोधीयन्त एव ते स्वामिनारायणाय स्वाहा। प्रणवस्यास्य माहात्म्यं वेदेषु बहुधोदितं
तस्य सारं समाकृष्य संक्षेपेण वदाम्यहं स्वामिनारायणाय स्वाहा। यत्किञ्चित् वाङ्मयं लोके प्रणवो येष तस्य तु ज्ञेयः कारणमस्तीति बीजरूपः सनातनः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तस्याकार उकारश्च मकारश्चार्धमात्रिका मात्राश्च तस्त्र इत्याहुः सर्वाधारतया मतः स्वामिनारायणाय स्वाहा। विराट विष्णुः स्थितिश्चेति त्रयं चाकारमाश्रितं सूत्रं हिरण्यगर्भश्च सृष्टिश्चोकारमाश्रिताः स्वामिनारायणाय स्वाहा। अव्याकृतेश्वरलया मकारम् इति संसृतः चिदाकाशाक्षरब्रह्म तूर्यम् इत्यर्धमात्रिकां स्वामिनारायणाय स्वाहा। मातृकाश्च द्विपञ्चाशद् वेदाः व्यारुतिभिः सह वेदाङ्गान्यथ यत्किञ्चित् तन्मूलं वाङ्मयं हि तत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततोऽवकाशोऽप्यखिलः प्राणवस्यास्य तेजसा व्याप्त इत्यवलोक्यासो प्राप्नोत्यानन्दमुत्तमं स्वामिनारायणाय स्वाहा। तस्यैवालम्बनाच्छून्य महाशून्यादिभूमिकाः विद्वानादात्मकं योगी याति नारायणं प्रभुं स्वामिनारायणाय स्वाहा। कार्यकारणरूपौ सो नादः सर्वो यदङ्गतः प्रादुर्भवति तं देवं साक्षात् स्वहृदि वीक्षते स्वामिनारायणाय स्वाहा। ततः सकृतकृत्योऽत्र भवत्येव न संशयः तत्प्रसादात् अवाप्नोति तद्धाम परमं बृहत् स्वामिनारायणाय स्वाहा। शून्यकप्राणसंरोधाद्येयं स्थितिरुदीरिता सहजः स समाधिर्हि कथ्यते तत्त्वदर्शिभिः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तद्वान् योगी वपुःस्थोऽपि वर्तते साक्षिवत् सदा प्राप्य चात्यन्तिकलय स्थितिमुन्निद्र एव सः स्वामिनारायणाय स्वाहा। न सर्वलोकसाध्योऽयं शून्यकः प्राणसंयमः न चेकजन्मजन्येन सुकृतेनापि लभ्यते स्वामिनारायणाय स्वाहा। अनेकजन्मजन्यानां सञ्चयैः पुण्यकर्मणाम् अशेषवासनाहीनं यस्य चित्तं तु जायते स्वामिनारायणाय स्वाहा। तस्य सत्संगसत्शास्त्रे वीनापि शून्यकस्थितिः वासुदेवस्येव साक्षात् इच्छया जायते मुने स्वामिनारायणाय स्वाहा। सहात्मनो ब्रह्मणैक्यं बाल्येऽप्यनुभवत्यसौ आर्षभेषु यथा पूर्वं नवयोगेश्वरास्तथा स्वामिनारायणाय स्वाहा। कविर्हरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः आविर्होत्रोऽथ द्रूमीलश्चमसः करभाजनः स्वामिनारायणाय स्वाहा। पुत्रा ऋषभदेवस्य न वै देयोगवित्तमाः सिद्धा बभूवुर्बाल्येऽपि प्राप्तब्रह्मात्मदर्शनाः स्वामिनारायणाय स्वाहा। तथाविदाश्च ये केचित्तेऽधुनाप्यत्र भूतले नारायणेच्छया कस्माल्लभन्ते तादृशीं स्थितिं स्वामिनारायणाय स्वाहा। चित्तस्य निर्वासनतां विना शून्यकसिद्धये उपायोऽन्यस्तु नास्त्येव कश्चिदप्यत्र सन्मते स्वामिनारायणाय स्वाहा। स निर्वासनचित्तस्य हृदये प्राणसंयमः जायते सह सेवापि पूरकाद्यः क्रियः विना स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति ते प्राणसंरोधो मया सङ्कीर्तितो मुने यः सामान्यविशेषाभ्यां प्रोक्तो योगविशारदैः स्वामिनारायणाय स्वाहा। यः प्राणसंयमनमभ्यसतीह सिद्ध योगोपदर्शितपथेन पुमान् सुधीरः तस्यातिचञ्चलमपि प्रशमं समेति मोक्षोन्मुखे करिपुराशु मनोऽपि नूनं स्वामिनारायणाय स्वाहा। इति श्रीमत्सत्सङ्गी जीवने नारायणचरित्रधर्मशास्त्रे योगोपदेशे शून्यकप्राणायम लक्षणनिरूपण नाम अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः स्वामिनारायणाय स्वाहा। वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरो तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये।
ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री नरनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री प्रभवे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री भक्ति धर्मात्मजाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री अजन्मने नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री हरये नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री हरिकृष्णाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री घनश्यामाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री धार्मिकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री भक्तिनंदनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री ब्रतधराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री शुद्धाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री राधा कृष्णेष्ट देवताय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री मारुत्सुत प्रियाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री काल भैरवाद्यति भीषणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम जितेन्द्रियाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम जिताहाराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री तीव्र वैराग्याय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री आस्तिकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री योगेश्वराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री योग कला प्रवृत्तये नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री धैर्यवते नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री ज्ञानिने नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री परमहंसाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री तीर्थकृते नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री तीर्थिकार्चिताय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम क्षमानिधये नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सदोनिद्राय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री ध्यान निष्ठाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री तपः प्रियाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री सिद्धेश्वराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम स्वतंत्राय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम ब्रह्म विद्या प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम पाषंडोच्छेदन पटवे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम स्वस्वरूपातलसिते नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री प्रशांत मूर्तये नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम निर्दोषाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री गुरुवादि मोहनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री अति कारुण्य नयनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री ऊर्ध्वार्ध्व प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री महाव्रताय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री साधुशीलाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री साधु विप्र प्रपूजकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम अहिंसा यज्ञ प्रस्तोत्रे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री साकार ब्रह्म वर्णनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री स्वामिने नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कालदोष निवारकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सत्शास्त्र व्यसनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सद्य समाधि स्थिति कारकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कृष्णार्चा स्थापन कराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कौलद्वीषे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम कलदारकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम प्रकाश रूपाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम निर्दमाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सर्वजीविहितावहाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री भक्ति संपोषकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री वाग्मिने नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम चतुर्वर्ग फल प्रदाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री निर्मत्सराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री भक्तवर्मणे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम बुद्धिदात्रे नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम अतिपावनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम अमृतरते नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम ब्रह्मधाम दर्शकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम अपराजिताय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री आसमुद्रांत सत्कीर्तये नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री तत्संस्कृति मोचनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम उदाराय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सहजानंदाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री साध्वीधर्म प्रवर्तकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री कंदर्प दर्प दलनाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री वैष्णव कृतुकारकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री पंचायतन सनमानाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री नैष्ठिक व्रत पोषकाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री प्रगल्भाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम निःस्पृहाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम सत्य प्रतिज्ञाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम अरोषणाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम दर्शिने नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय स्वाहा। ओम विजय क्षमाय नमः। ओम श्री स्वामीनारायणाय
जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तमारा वंदु कर जोड़ी प्रभु वंदु कर जोड़ी चरणे शीश धराती चरणे शीश धराती दुख नाख्या तोड़ी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नारायण नर भ्राता द्विज कुल तनु धारी प्रभु द्विज कुल तनु धारी पामर पतित उधार्या पामर पतित उधार्या अगणित नर नारी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करताय विनाशी प्रभु करताय विनाशी अड़सठ तीरथ चरणे कोटि गया काशी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करशे प्रभु जे दर्शन करशे काल कर्म थी छोटी काल कर्म थी छोटी कुटुंब सहित तरशे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी आयवसर करुणा निधि करुणा बहु कीधि वाले करुणा बहु कीधि मुक्तानंद काहे मुक्ति मुक्तानंद काहे मुक्ति सुगम करी सीधि प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।